नाइन एप ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स देंगे ये सब सबको मिक्स करेंगे तो हमको ये डिजिटल सिग्नल मिलेगा ठीक है यानी ये जो डिजिटल सिग्नल जो मिल रहा है इसके अंदर बहुत सारे साइन कंपोनेंट्स हैं साइन कंपोनेंट्स तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट में आपको बताया था हाउ टू कैलकुलेट द बैंडविट अब बैंडविड कैलकुलेट करने का क्या तरीका है जो पहली फ्रीकुंसी माइनस लास्ट फ्रिक्वेंसी माइनस फर्स्ट फ्रिक्वेंसी है ना याद है आप लोगों को अगर मान लो हमारे पास कोई सिग्नल है उसके अंदर ये सब फ्रीक्वेंसी है जिसको Composite बोलते इतनी सारे ये 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 तो तो इसकी क्या हो जाएगी F10 minus F1, last frequency minus first frequency ये हमको देगा ठीक है तो अगर हम ये digital signal की कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट बैंडविड्थ होगी इसकी ठीक है ये बात ध्यान में रखना है अभी हम देखेंगे ट्रांसमिशन का तरीका क्या है तो दो टाइप के ट्रांसमिशन Uh, दो दो, दो तरीके जिससे हम डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं सबसे so, पहला बेस बैंड ट्रांसमिशन ठीक है बेस बैंड ट्रांसमिशन में क्या करेंगे हमारे पास ये जो डिजिटल डिवाइस है देखो मैं रेड में सर्कल कर रहा हूँ दिस आर द डिजिटल डिवाइसेस जो कंप्यूटर से वो डिजिटल डिवाइसेस है दे आर सेंडिंग द डिजिटल सिग्नल एंड देन वी हैव दिस चैनल ठीक है ये मैं चैनल को जैसे ग्रीन से मार्क करता हूँ ये हमारे पास चैनल है जिसके जरिए से हम सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे अब यहाँ मसला ये है कि ये जो चैनल है वो एनालॉग सिग्नल्स को सपोर्ट करता है ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल भेज सकते हैं लोग ठीक है और ये जो डिवाइसेस है वो डिजिटल डिवाइसेस है और हम ये देखते हैं कि हम ट्रांसमिट करेंगे सपोज हमने जो है डिजिटल सिग्नल को सीधा हमने एनालॉग सिग्नल मतलब डिजिटल सिग्नल को अगर ये चैनल से भेजा तो क्या होगा इसका इसका इफेक्ट क्या होगा यू कैन सी दिस इज द बैंडविड्थ वी ये हमने यहाँ पे डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है ये है डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ स्टार्टिंग फ्राम जीरो बहुत बड़ी बैंडविड्थ है और ये जो चैनल है ये जो बैंडविड्थ सपोर्ट करता है ये एक लिमिटेड बैंडविड्थ सपोर्ट करता है एफ वन से लेके एफ टू तो इसका रिजल्ट ये होगा कि जब ये पूरा सिग्नल इस बैनविट से पास होगा तो कुछ वेव्स मतलब जो कुछ फ्रीक्वेंसी जो है ना कट ऑफ कट हो जाएगी जैसे मान लो ये ना ये ये सपोर्ट इतना कर रहा है ना ये इतना सपोर्ट कर रहा है और हमारा सिग्नल जो है ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे ऐसे जाके ये ये इतना बड़ा सिग्नल है तो ये साइड की जो ब, ये ना ये ये फ्रीक्वेंसीज और ये फ्रीक्वेंसी जो है कट हो जाएगी और इतना ही जाएगा आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग हेलो ये बैंडविड है f1 से लेके f2 और हमको यहां से 0 से लेके इंफिनिटी चाहिए तो ये f1 सपोज यहां पर था यहां f2 यहां पर था तो इतनी बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज पास होगी बाकी सब रिजेक्ट हो जाएगी ठीक है तो इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि ये सिग्नल हमको आउटपुट पे मिलेगा यानी रिसीवर के पास जाएगा ठीक है नाउ इन टर्म्स ऑफ द शेप ऑफ द सिग्नल व्हाट विल हैपन ये इनपुट सिग्नल था हमारा ठीक है ये पूरा स्ट्रिंग ये सिग्नल हमारा इनपुट है इसको हमने ये पर्टिकुलर में ये चैनल से भेजा तो इसका रिजल्ट ये होगा क्योंकि बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज जो है हमको आउटपुट पे नहीं मिलेगी जिसकी वजह से सिग्नल का देखो ये शेप था मगर आउटपुट पे जाके ये ये शेप शेप हो जाएगा, शेप हो जाएगा ठीक है ना ना सिग्नल सिग्नल का चेंज गया कैन यू सी दिस देखो कैसा था ये yeah. ऐसा था है ना ये ऐसा था सिग्नल और ये हो कि ऐसा मतलब ऐसा राउंड जैसा हो गया ठीक है ऐसा राउंड जैसा हो गया ये राउंड क्यों हो गया क्योंकि इसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज पास नहीं हो पाई बहुत सारी फ्रिक्वेंसी ब्लॉक हो गई ठीक है तो ये ट्रबल आता है

ये क्या करेगा ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। एनालॉग में पास करेंगे पूरा का पूरा चला जाएगा ठीक है ना ये अवेलेबल मतलब तो तो बैंडविड्थ है और उतनी बैंडविड्थ हमारे सिग्नल की इनपुट सिग्नल की इतनी हो गई है. अब ये ट्रांसफर करेंगे तो ये सिग्नल ऐसा मिलेगा जैसा था उसी हाल में मिलेगा मगर ये एनालॉग मिलेगा तो रिसीविंग साइड पे हमको डिजिटल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से तो यहां पर हम क्या करेंगे ये analog को digital में convert करेंगे तो जो सिग्नल था उसी फॉर्म में देखो मिल गया देखो पे क्या किया हमने मॉड्यूलेशन दैट मीनस वी आर चेंजिंग सिग्नल टू तो हमने पहले क्या देखा था कि डिजिटल सिग्नल को हम आ, उस पर्टिकुलर चैनल से भेजेंगे तो डिस्टॉर्शन मतलब सिग्नल चेंज हो जाएगा ठीक है

मगर यहाँ पर मसला है कि ये सिग्नल एनालॉग रहेगा और हमको यहाँ पे डिजिटल चाहिए तो ये ये एक दिया जाएगा इसको एडीसी को दिया जाएगा एडीसी का मतलब है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और ये सिग्नल जो हमको फिर से मिल जाएगा यू कैन सी व्हाट एवर इज सेंड इज रिसीव्ड पिछले केस में देखा था क्या था पिछले केस में तो हमने भेजा क्या और मिला क्या है ना तो ये ये अच्छा है या ये वाला अच्छा है कौन सा अच्छा है बेसबैंड अच्छा है कि ब्रॉडबैंड अच्छा है हेलो

चैनल के थ्रू सेंड करते हैं मीडियम के थ्रू सेंड करते हैं है ना तो जैसे वायर है तो ये वायर के थ्रू सेंड करते हैं अब वायर जो भी मीडियम चाहे वायर हो चाहे एरो वो परफेक्ट नहीं होता ठीक है ना ये चीजें परफेक्ट नहीं होती ठीक है ना तो उसकी वजह से क्या होता है सिग्नल जो है इसकी स्ट्रेंथ या इसके शेप इससे बहुत सारे मतलब चेंजेस आ जाते हैं ठीक है ना तो सिग्नल जो है ये करप्ट होने के चांसेस हो जाते हैं

जी ठीक है सिग्नल को भेजा था वो स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई ठीक है हम इसको आगे डिस्कस करेंगे खाली यहाँ पे डेफिनेशन देख लो दूसरा है डिस्टोशन डिस्टोशन का मतलब चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल सिग्नल का शेप चेंज हो जाएगा यह डिस्टोशन करेगा देन थर्ड इज नॉइज ठीक है नॉइज का मतलब ये अनवॉन्टेड इलेक्ट्रोमेटिक

हमने उसको स्विच ऑफ कर दिया फैन को तो फैन रुक जाएगा ठीक है नाउ सपोज इफ आई ट्राई मैं हाथ से बहुत जोर से फैन को घुमाऊंगा तो सुबह मैंने घुमाया शाम तक चलता रहेगा ना वो क्या रुक जाएगा रुक जाएगा रुक क्यों क्यों वो फैन क्यों रुक जाएगा मैं तो उसको बहुत स्ट्रेंथ से फेंका ना मतलब घुमाया मैंने तो रुक जाएगा वो क्यों रुक जाएगा मैन पावर ट्रेन क्या हो रहा है लॉस ऑफ मैन पावर कंटिन्यू चलता रहे लॉस ऑफ पावर इसमें क्या होता है देखो वो जो फैन घूमता है तो बेयरिंग्स होती है बेयरिंग्स बेयरिंग्स इसलिए लगाई जाती है कि फैन का जो फ्रिक्शन है जो उसके ब्लेड्स जो घूमती हैं उसका फ्रिक्शन जो जहाँ से अटैच है फैन जिस

इस फ्रिक्शन की वजह से वो फैन रुक जाता है ठीक है ना इसी तरह से अभी हम कैसे से बात करते हैं तो हमारे जो सामने बैठा है उस तक हमारी आवाज पहुंचती है जो हमसे बहुत काफी दूर है वहां तक हमारी पहुंचती आवाज हमारी आवाज नहीं पहुंचती तो क्या होता है कि हमारी जो आवाज है वो एयर से पास होती है और एयर इज प्रोवाइडिंग सम रेजिस्टेंस जिसकी वजह से हमारी साउंड की एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है तो जो हमारे से करीब होता है उसको अच्छा सुनाई देता है जो थोड़ा दूर रहेगा उसको कम सुनाई देगा जो बहुत ज्यादा दूरगा उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि हमारा जो साउंड वेव है ना उसकी एनर्जी कम होती जाती है अभी सेम चीज यहाँ पर भी होती है हम जब सिग्नल को भेजते हैं किसी वायर के थ्रू या एयर या वायर जो भी सपोज हम भेजते हैं तो सपोज हम यहाँ पे वायर का कंसिडर करते हैं तो ये सपोज हमारा ओरिजिनल सिग्नल था हमने यहाँ से इसको ट्रांसमिट किया तो वायर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना आपने सुना होगा ना वी इक्वल टू आई आर ये ओम्स लॉ है तो हर वायर के अंदर कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं होता मगर सुपर कंडक्टर हमारे इतने आसान नहीं है बनाना तो खैर वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता है नो बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीजेस एंड बिकॉज ऑफ इट वी गेट अटैन गेटिंग माय पॉइंट क्या होता है attenuation? Attenuation का मतलब ये होता है देखो ये ओरिजिनल सिग्नल था इसका देखो तो कितना बड़ा एम्पल्यूड कितना ज्यादा है मगर कुछ द आगे बढ़ने के बाद इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया दिस इज कॉल्ड एज एटेन्यूएशन ठीक है तो वी कैन से द सिग्नल हैज एटेन्यूएटेड अंडरस्टूड एवरीवन एटेन्यूएशन क्या होता है हेलो हां लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द सिग्नल जो सिग्नल की जो एनर्जी लॉस होती है या पावर लॉस होता है उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन तो अभी सिग्नल को फिर से उसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे लाने के लिए या उसको एम्पलीफाई किया जाता है तो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो एम्पलीफायर क्या करता है ये जो सिग्नल है उसको अपनी, उसको उसको अपनी एम्पलीफाई करता है 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 ताकि उसकी स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाए आगे भेजा जाता है। है ना तो हम लोग जैसे मान लो टेलीफोन लाइन है हमारे पास ये हमारी सिटी बॉम्बे से लेके दिल्ली तक कोई टेलीफोन लाइन है तो ये वायर के थ्रू जाता है तो वायर के ये ये बीच में बहुत सारे रिपीटर्स होते हैं रिपीटर्स और रीजनरेटर्स बोलो एम्पलीफायर्स बोलो ये हर Maybe I think 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर में रहते हैं अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज जान हमारा सिग्नल यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा तो ये एम्पलीफायर क्या करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ठीक है तो हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए एम्पलीफायर की गेन और लॉस ऑफ सिग्नल अभी यहाँ पे देखो क्या हुआ कि ये पॉइंट वन से जब सिग्नल टू पर गया तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है न और यहाँ से पॉइंट टू से पॉइंट की स्ट्रेंथ फिर बढ़ गई तो हम कैसे मेजर करेंगे सिग्नल की स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करेंगे कै, है ना तो उसके लिए हमें कुछ यूनिट्स चाहिए मेजर करने के लिए है ना जैसे हम लोग वजन करते हैं ना कोई भी चीज तो किलोग्राम से ना वेट की यूनिट क्या किलोग्राम है कितना किलो वजन है हाइट मेजर करते मीटर्स में करते हैं तो उसी तरह से ये सिग्नल की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए क्या सिग्नल में गेन हुआ है जैसे यहाँ पे गेन कब हो रहा है कि ये सिग्नल था ये बढ़ गया यहाँ गेन हुआ है ये सिग्नल बड़ा हुआ था यहाँ पहुंचते पहुंचते कम हो गया तो सिग्नल का लॉस हो गया तो गेन या लॉस को मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसको बोलते हैं डेसीबल यूनिट बोलते डेसीबल ठीक है ये ग्राहम बेल ना अपना नाम ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन इन्वेंट किया था उसके नाम पर ये डेसीबल यूनिट रखी गई है तो इट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द गेन और लॉस ऑफ सिग्नल तो अब देखो यहाँ पे आप देखोगे दो दो डेफिनेशन दिए हुए ये अपर डेफिनेशन वो पावर है ठीक है तो uh, पावर गेन ठीक है इन डेसिबल्स पावर गेन या पावर लॉस इज गिवन बाय ये टेन लॉग कैन यू हियर मी हां तो हमारे पास डेसिबल यूनिट है, है हां ये यूनिट जो है इट इज यूज्ड टू मेजर द गेन और लॉस ऑफ द सिग्नल ठीक है तो यहां हमारे पास ये यूनिट है आ, ये टॉन uh, 10 लॉग p1 p2 टू द बेस 10 ये पावर मेजर करने के लिए पावर के लिए ये है अच्छा वोल्टेज गेन या वोल्टेज लॉस मेजर करने के लिए हमारे पास ये यूनिट है व्हिच इज इन 20 log v1

ज ट्वेंटी लॉगन अपॉन वी टू टू देश अगर ये डीबी जो है ना पॉजिटिव भी, भी हो सकता है अगर गेन तो हुआ है अगर इज अस ऑफ पावर गेटिंग माई पॉइंट क्लास क्या बोल रहा हूँ yes. ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है अगर पॉजिटिव है मतलब पावर बड़ा है और नेगेटिव मतलब पावर घटा है

Here, we can say, हमारा जो पावर आउटपुट है ठीक है ना तो पी वन जो दिया है ये आउटपुट पावर है वो फॉर्मूला के मुताबिक पावर है एक्चुअली उल्टा लिखा हो मगर अभी क्यों लिखा हो उसी को फॉलो करते हैं क्योंकि हमने वही डेफिनेशन देखा तो डेसीबल गेन क्या होता है इट इज ऑफ

ये p2 है है ना p2 की जगह तो p2 लिखेंगे हम और p1 क्या 10 टाइम्स p2 ना व्हाट इज द कैलकुलेशन करेंगे क्या मिलेगा कैलकुलेशन करेंगे क्या मिलेगा हमको बताओ यस आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट लॉग 10 मिलेगा है ना 10 इसलिए मिलेगा कि ये 10 हो गया ठीक है p2 p2 कट हो जाएगा तो ये मिलेगा log 10 टू द बेस 10 व्हिच इज इक्वल टू 1 तो ये जाएगा 10 हमको टेन मिल जाएगा ओके तो दिस इज वॉट वी गेट ठीक है टेन मिल जाएगा ओके, okay? yes. so yes. uh, uh, okay? सो आप लोग करोगे ठीक है आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो क्या सपोज अ ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट्स पावर इज रेड्यूस टू वन हाफ तो पावर अभी कम हो गया रिड्यूस हो जाएगा तो व्हाट वी गेट इन दिस केस इज दैट पी वन इज हाफ ऑफ पी टू ठीक है तो आ, हम फॉर्मूला लिख लेंगे तो डेसिमल गेन पावर गेन का फॉर्मूला क्या है टेन लॉग ऑफ पी वन अपॉन पी टू टू द बेस टेन ये लिख दिया मैंने ठीक है चलो मैं ही कर लेता हूँ अभी टाइम जाएगा तो ये टेन हो जाएगा टेन लॉग टेन पी कितना है हाफ पी

इसका अगर लॉग कैलकुलेट करेंगे तो आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा इसका आप कैलकुलेशन कर लेना आई एम लिविंग टू एज अ एक्सरसाइज की तरह ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा ये माइनस में मिलेगा लॉग ऑफ uh, 0.5 जो है इफ यू हैव कैलकुलेटर यू कैन डू दिस है कैलकुलेटर आपके यानी कि आपके लिए लॉग तो ओके okay, चलो मैं देख लेता हूं तो लॉग जो है लॉग ऑफ कितना है 0.5

हेलो यस ओके ठीक है नेक्स्ट जो है ये यहाँ पर हम सोचते हैं कि व्हाई डेसिबल यूनिट्स यूज करते हैं पावर गेन सीधा सा हम ऐसे भी कर सकते थे अगर पावर गेन फाइंड करना है तो सीधा हम आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर सीधा-सीधा ले लेते हैं है ना तो पावर गेन सीधा मिल जाता हमको जो भी मिलना है आराम से मिल जाता तो व्हाई वी आर यूजिंग दिस डेसिबल यूनिट्स डेसिबल यूनिट्स क्यों लिखते हैं तो जो इंजीनियर्स ये डेसिबल यूनिट्स यूज करते हैं वो कन्वीनियंट है काफी यूज करने में ठीक है क्योंकि अभी जैसे मान लो हमें ये ये डायग्राम दिया हुआ है नाउ इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम वी वांट टू फाइंड व्हाट इज द पावर गेन और पावर लॉस एट पॉइंट ठीक है तो हमको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जब सिग्नल पॉइंट वन से पॉइंट टू पर ट्रेवल करता है तो इसका लॉस होता है माइनस थ्री का फिर हम एम्पलीफायर यूज करते हैं तो एम्पलीफायर की वजह से वो सिग्नल का जो पावर इंक्रीज हो जाता है वो सेवन डेसिबल्स दख हो जाता है फिर सिग्नल 0.3 से 0.4 पे आया तो -3 डेसिबल लॉस हो जाता है तो टोटल पावर गेन क्या होगा टोटल पावर क्या होगा इसका टोटल पावर गेन या जो भी लॉस डेसिबल्स में क्या होगा सीधा ऐड कर दो सबको ठीक है तो -3 डेसिबल्स 7 डेसिबल्स और -3 डेसिबल्स तो ये जाएगा प्लस +1 डेसिबल है ना देखो कितना आसान हो गया सिर्फ एडिशन सबट्रैक्शन करना है में सिंपल ठीक है ना तो ये जो एक convenient unit है हमें पा, हमारे पास पावर कैलकुलेट uh, करने की या करने के लिए अगर 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 इसी को अगर हम uh, decibels में न करते अगर में करते करते हुए तो क्या होता कि मल्टीप्लीकेशन जो बहुत बड़ा नंबर मिलता हमको ठीक है तो आपको मालूम होगा शायद ये डेसिबल्स में जो ये जो लॉग स्केल होती है लॉग स्केल उससे क्या होता है जैसे आप अगर मान लो टेन का लॉग कैलकुलेट आपको वन मिलेगा है ना हंड्रेड का करेंगे टू मिलेगा उजेंड का करेंगे थ्री ऐसा हमको कर, मिल, मिलता रहेगा लॉग है ना यहाँ पे दस गुना बढ़ रहा है मगर यहां पे तो एक ही बढ़ रहा है एक ही बढ़ रहा है ना पे समझ लो क्या बोल रहा मैं इसे देखो जो होता है ना अर्थक्वेक, ता अर्थक्वेक, ता अर्थक्वेक, ता अर्थक्वेक, ता अर्थक्वेक इसकी जो मेजर करते हैं ना अर्थक्वेक को वो, वो वो एक रिचर स्केल होती है स्केल इसे मेजर करते हैं रिचर स्केल में ठीक है तो रिचर्स स्केल जो होती है ना वो लॉग स्केल है

बता बताने के लिए ओके देन नेक्स्ट जो है वो डिस्टॉशन है दूसरा जो है ना पावर जो जो ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट इज इज द डिस्टॉशन ना वाई डिस्टोशन क्यों होता है सी <coughs> ये जो जो हमारे पास सिग्नल हम ट्रांसमिट करते हैं वो सिंपल नहीं होता वो एक कंपोजिट सिग्नल होता है ठीक है ना अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये सिग्नल हमें दिया हुआ है तो ये सिग्नल हमको ट्रांसमिट करना है तो इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये तीन सिग्नल का बना हुआ है तीन का बना हुआ है इसको हम भेजेंगे ठीक है ना अब आ, ये जो तीन सिग्नल है सबकी वेवलेंथ अलग है सबकी फ्रीक्वेंसी अलग है सबकी स्ट्रेंथ अलग है तो जब भी कोई सिग्नल एयर में जब ट्रेवल करता है ना एयर में तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती सबकी सब एक वेलोसिटी एक से जाते मगर जैसे किसी मीडियम में जाते हैं ठीक है ना कोई डेंसर मीडियम में जाते हैं तो सबकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी ठीक है ना दे ट्रेवल विद डिफरेंट वेलोसिटीज ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ एनी वेवलेंथ ठीक है तो इससे क्या होगा ये जो हम भेजे रहे सिग्नल ये सिग्नल जो है क्योंकि ये किसी मीडियम में जाने के बाद इसकी स्पीड चेंज होगी तो उसके उसका फेज है ना दे कम आउट ऑफ फेज पूरा सिग्नल आउट ऑफ फेज आएगा देखो हमने कैसा देखा था यह जीरो फेज है ये भी जीरो फेज से स्टार्ट हो ये जीरो फेज है। मगर यहाँ पे आके देखो इसका फेज जो है नाइन्टी डिग्री हो गया ये वन एटी डिग्री हो गया ये तो बराबर आया ठीक है ना इसका फेज चेंज मगर इसका फेज चेंज हुआ इसका फेज चेंज हुआ

इसकी वजह से डिस्ट्रॉशन होता है नेक्स्ट इज द नॉइज ठीक है तो नॉइज क्या है ये अनवांटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ठीक है वो नॉइज तो हर मीडियम में रहता ही है मगर सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है और नॉइज की स्ट्रेंथ कितनी है उसके मुताबिक हमको रिसीव कैसा मिलेगा वो है है ना अभी सिंपल एग्जांपल है जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ बीच में कहीं हम एक क्लास में बैठे हैं और बाहर कहीं कुछ शोर हो रहा है तो अगर मेरा आवाज इतना ज्यादा है कि आप तक पहुंच जाएगा तो कोई मसला नहीं मगर वो शोर इतना ज्यादा है कि मेरा आवाज़ है तुमको सुनाई नहीं दे रहा है तो ये जो है रिसीव कुछ भी नहीं कर पाओगे आप उसी तरह से यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दिया हुआ ये हमारा सिग्नल ट्रांसमिट किया हमने अभी ये ट्रांसमिशन मीडियम ने कहीं से नॉइज आ गया तो ये दोनों सिग्नल मिक्सअप हो जाएंगे और मिक्स होके देखो ये मिलेगा हमको तो भेजा क्या और रिसीव क्या हुआ समझ सकते हो आप लोग यू कैन सी दिग्नल इज टोटली करप्टेड सिग्नल जो टोटली करप्ट हो गया देखो ये भेजा क्या था और मिला क्या यहाँ पे क्या मिल रहा है ठीक है तो ये नॉइज जो है सिग्नल को करप्ट कर सकता है अब देखो ये टाइप्स ऑफ नॉइज एक तो थर्मल नॉइज ठीक है थर्मल नॉइज क्या होते हैं कि जब भी हम सिग्नल सेंड करते हैं वायर से तो इलेक्ट्रॉन्स दे कैरी द सिग्नल ठीक है ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये व्हेन दे ट्रेवल थ्रू द मीडियम दे प्रोड्यूस हीट है ना हीट करते हैं ना वायर को हीट कर देते हैं वो हीट की वजह से और एक करंट जो जनरेट होता है

टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल अगर हमें हमें देखना है कि भाई नॉइज होने की होने के बावजूद सिग्नल में कितना करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो हमारे पास एक रेशियो जिसको सिग्नल टू नॉइज रेशियो एस एन आर जिससे डिनोट करते हैं ठीक है सो एस एन आर जो है ये बताता है कि uh, हमारे सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है नॉइज के होने के बावजूद ठीक है सो हाउ टू बी डिफाइन एस एन आर तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज सिग्नल पावर टू दावर याद रखो का क्या है? इसको हम डेसिबल्स में भी मतलब लिख सकते हैं तो एस एन आर इन डेबल टेन टाइम्स लॉग ऑफ एस एन आर टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको गेटिंग क्लास हेलो एस एन आर अब yes, yeah. देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल काफी अच्छे दिए हुए सिग्नल मिल सिग्नल ये हमको ये सिग्नल प्लस नॉइज मिलके ये सिग्नल रिसीविंग साइड में मिला है ठीक है ना क्योंकि नॉइज इतना ज्यादा नहीं था तो सिग्नल को करप्ट तो किया मगर इतना ज्यादा करप्ट नहीं किया फिर भी ये करप्शन तो हुआ है ठीक है ना तो पर हम ये देखते हैं कि सिग्नल बहुत ज्यादा है नॉइज़ बहुत कम है, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। तो ये दोनों से आ गया, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितना सिग्नल उतना ही नॉइज है ठीक है जितना सिग्नल उतना नॉइज है अब रिसीविंग साइड पे क्या मिल रहा है आपको रिसीविंग साइड पे क्या मिल रहा है तो ये अच्छा है पहला वाला कि दूसरा वाला अच्छा पहला।, पहला पहले वाले में, क्योंकि कम है। अब बोलते ना, दाल में कुछ काला है मतलब, दाल में थोड़ा सा काला, <laughs> मतलब दाल में। अब ये तो काले में दाल है मतलब सब काला दाल नजर आ रही है Getting my point? तो यहाँ पर ठीक है मतलब ये नॉइस तो देखो तो 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 हर मीडियम में रहता ही है हम नॉइस कैंसलेशन के बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हैं मगर यहाँ पर जो है इतना नॉइस है कि हम मतलब इट इज ठीक है इट ऑलमोस्ट करप्स द सिग्नल सो करो एस एन आर हम चाहते हैं कि ये बहुत हाई हो इसकी हाई वैल्यू हो है ना इसकी सबसे बेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है मुझे बेस्ट वैल्यू ऑफ एस एन आर सबसे बेस्ट वैल्यू क्या होगी एस एन आर की देखो बेस्ट वैल्यू ये रहेगी कि नॉइज कुछ भी नहीं हो नॉइज कुछ जीरो नॉइज so और सिग्नल कुछ भी जो भी सिग्नल तो सिग्नल पावर डिवाइड बाय जीरो इट बिकम्स इन्फिनिटी

और सिंगल का पावर बहुत कम है तो नॉइज अगर हम बेगे नॉइज इज इनफाइनाइट तो सिंगल पावर ये कुछ भी रहेगा तो जीरो ही कर देगा उसको ठीक है तो एस एन आर की सबसे बेस्ट वैल्यू इज इंफिनिटी और वर्स्ट वैल्यू इज जीरो तो

टेन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री ठीक है और नॉइस का जो पावर दिया है ये दिया है वन माइक्रो वैटेज वन माइक्रो का मतलब है 1 into to minus अब एस एन आर कैलकुलेट करते पहले एस एन आर का वैल्यू क्या है ये सिग्नल पावर पावर है सिग्नल पावर और ये नॉइस पावर है तो सिग्नल पावर अपॉन नॉइस पावर तो सिग्नल पावर कितना है टेन इंटू टेन एस टू माइनस थ्री और नॉइस का पावर है वन इंटू टेन एस टू माइनस सिक्स अब इसको तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा टेन एस टू फोर हो जाएगा ना माइनस सिक्स ऊपर जाएगा तो प्लस प्लस uh, सिक्स हो जाएगा प्लस माइनस टेन एस टू फोर ठीक है एस एन आर गेटिंग कैसे किया बराबर है ना कुछ तो नहीं किया ना मैंने इसकी कोई यूनिट नहीं है देर इज नो यूनिट क्योंकि लिखेंगे इसको ये था log uh, 10 log SNR टू द बेस 10 ठीक तो ये uh, इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो व्हाट वी गेट इज दिस इज 10 log 10 SNR हमको 10 4 मिल रहा है ये 10 4 हो गया ठीक है नाउ आई होप यू नो दिस के ये जो पावर है पीछे आ सकता है उसको ऐसा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो क्या मिलेगा हमको 4 into 10 log ऑफ

तो तो ये हो गया थ्री थिंग्स विच कॉज सिग्नल इंपेयरमेंट ये तीन को हमने अच्छा डिटेल में स्टडी किया है तो एनर्जी बोलो पावर बोलो जो भी है डिस्ट्रॉशन मीन्स चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल एंड नॉइज मीन्स अन वेड इलेक्ट्रोमेटिक इंटरप्रेंस विच कैन करप्ट अवर सिग्नल ठीक है, तो ठीक है आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं सो आई विल जस्ट कंक्लूड माय लेक्चर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग uh,